मध्य प्रदेश में भले ही शासन प्रशासन बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती हो, लेकिन जब बेटियां अपने घर में अपनों के बीच सुरक्षित ना हो तो आप क्या कहेंगे? जी हां, इंदौर में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक कलयुगी पिता शराब के नशे में आए दिन अपनी नाबालिग बेटियों से छेड़छाड़ करता था। अपने पिता की हरकतों से परेशान नाबालिग ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां एक पिता शराब के नशे में अपनी सारी मर्यादाएं भूल गया। शराब के नशे की हालत में अपनी दो बेटियों के साथ ही गलत हरकतें करना शुरू कर दी। हालांकि बेटियां कुछ साल तक तो अपने पिता की हैवानियत को सहती रही, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, या यूं कहे कि बेटियों का अपने पिता से भरोसा उठ गया, तो दोनों बेटियों ने सीधे सदर बाजार थाने पहुंचकर अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी पिता पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र की है, जिसमें कि मराठी मोहल्ला में रहने वाला एक सचिन नामक व्यक्ति अपने दो पुत्रियाँ, जो उसकी एक नाम जिसमें एक नाबालिग पुत्री भी है, उनके साथ शराब के नशे में छेड़खानी लगातार करता आ रहा था, जिससे दोनों ही बहनें परेशान थीं। और उक्त शराबी पिता की हरकतों से जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तब उनके द्वारा थाने पे संपर्क किया गया और अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यथोचित धाराओं में आरोपी के विरुद्ध, शराबी पिता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे मामले में जबकि पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, जिसमें पिता ही इस तरह के हरकतों में यदि संलग्न रहता है, तो उसकी रिपोर्ट में विलम्ब होते ही हैं, कहीं घर के दबाव या अन्य चीज़ें भी सामने आती हैं। यहाँ भी पीड़ित जो बालिकाएं हैं उनके द्वारा काफ़ी सहन करने के बाद ही थाने पर रिपोर्ट की गई। यह सिलसिला लगभग एक वर्ष से चल रहा था और पीड़िताओं के द्वारा जैसे ही पुलिस से संबंध में संपर्क किया गया और घटनाक्रम बताया, इसमें हमने प्रभावी कार्रवाई की है। बहरहाल एक पिता द्वारा अपनी ही बेटियों के साथ गलत हरकत करने के मामले ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बस एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर जब बेटियां अपने घर में अपनों के बीच सुरक्षित नहीं तो कहां हो। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।